वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2, हाउ द कंपनी एस्टैब्लिश पावर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ओके, नाउ एज द टाइटल डिनोट्स, दिस इज टॉक अबाउट हाउ द ब्रिटिशियस इन्वेडिंग इन टू इंडिया एंड वेन द फर्स्ट दे केम इन टू इंडिया देयर सोल पर्पज वॉज ओनली ट्रेड, दे हैड नथिंग टू डू विथ एक्सपेंशन ऑफ देयर टेरिटरी। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर दैट हाउ ऑल दिस स्टार्टेड एंड हाउ दे मूव फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। So before I started the introduction, I want to you who that take this chapter as more of a story so that it became more interesting. So it all started with the Mughal Emperor Aurangzeb, who was the last powerful ruler of Mughal Emperor. After his death, no one powerful emperor came into the power, and this led to the Mughal power slowly started to dissolve. Okay, so it was during that time the company was gaining strength in India. The company first came into India with a charter passed by Queen Elizabeth I, and the charter exclusively right for East India Company. Under that right, it was specifically mentioned that no other trading company from Britain would trade into India. Okay, and East India Company only have exclusive right for it, but that's only for the Britain, not for other European countries, so that the many other traders belonging from the other country also came India for the trade, like Vasco da Gama, who was a Portuguese sailor who discovered India, came into 1498 AD. He was a Portuguese. Similarly, the trader from the Dutch, trader from France, they also came to India. And the only objective of them, the trade, was get the thing at lesser price from India and other countries across the world and sell it back into Europe and at the high price and earn more and more profit. So let's begin the chapter. After the Aurangzeb, the large part of India came under the Mughal governor and big zamindar who established regional kingdom. Yani Aurangzeb ki death ke baad Mughal Empire dheere dheere टूटना स्टार्ट हो जाता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और जो गवर्नर्स थे जो मुगल एम्पेरियर्स के द्वारा अपॉइंट किए गए थे, तो वो गवर्नर्स और बड़े बड़े जमींदार, उन्होंने धीरे धीरे अपने रीजन को एक रीजनल किंगडम में बदल लिया और खुद को इम्पावर्ड कर दिया। एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली के एक सेंट्रल पावर की जो इम्पॉर्टेंस थी, वो धीरे धीरे घटती चली गई। इट बिकेम रिड्यूस्ड, इट डिसमिस्ड। ओके, द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज द ट्रेडर। अब उस वक्त तक तो ब्रिटिशियस ट्रेडर तक आए थे, लेकिन when they saw the political condition of India, they finally started to control over India as the master of Indian subcontinent. अब उन्होंने देखा कि इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो काफी अनस्टेबल है, इसलिए they had started to control over India with many diplomatic measures. Okay, so European trading company, अब देखते हैं कि कौन कौन सी European trading company थी जो इंडिया आती है। So the East India Company was formed with the sole purpose buying good at cheap price to carry back to Europe and sell at highest price. Yani उनका मेन मोटो क्या था कि यहाँ से किसी भी तरीके से चीप रॉ मटेरियल्स लेकर जाना जो वहाँ की फैक्ट्रीज में, वहाँ के मार्केट्स में जिनकी हाई डिमांड हो, और उसके लिए काफी अच्छे पैसे वसूल करना ब्रिटेन के लोगों से। सो द इंडिया प्रोड्यूस, अब उस वक्त क्या था कि जिस समय ब्रिटिशर्स इंडिया ट्रेड के लिए आए, उस समय इंडिया प्रोड्यूस वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क,
Indian स्पाइसेस लाइक पेपर क्लॉव्स कार्डिमम सिनेमन्स सो इन सब चीज़ों की यूरोप में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी. इट हैज़ अ ग्रेट डिमांड अक्रॉस द यूरोप एंड दिस इज अ रीज़न. और यही रीज़न था अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, ना सिर्फ ब्रिटिश, पोर्टुगीज फ्रेंच डच ट्रेडिंग कंपनीज केम इन टू द इंडिया फॉर द सोल पर्पज वॉज ट्रेडिंग. देयर वेयर फ्रेंच कंपेनियन. अब क्या हुआ कि जैसे ही फ्रेंच भी आ गए, डच भी आ गए, ब्रिटिश भी आ गए, पोर्टुगीज भी आ गए, और इन सब के आने की वजह से इन सारी कंपनीज के बीच एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया. एंड ये जो कंपटीशन था इट लेड द मेनी बैटल बिटवीन देम. और इस कंपटीशन की वजह से यानी कौन ज़्यादा से ज़्यादा चीप रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, कौन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, इस बात की कंपटीशन स्टार्ट हो गई. और इस कंपटीशन में काफ़ी सारी बैटल्स हुई. सो दे वेर ग्रेजुअली अटैक ईच अदर शिप्स. वो क्या करते, हमेशा एक दूसरे की शिप्स पे अटैक करते एंड ट्राई टू प्रिवेंट अनदर शिप टू मूविंग विद सप्लाई ऑफ गुड्स. और कोशिश करते कि एक दूसरे की शिप को रोक सके जो सामान लेकर यूरोप जा रही हो. द एवरी शिप वॉज आर्म्ड. और इस वजह से हर शिप में आर्म फोर्सेस होती थी. ट्रेडिंग पोस्ट वेयर सिफ्टेड एंड दिस अटेम्प्ट द फोर्टिफाई सेटलमेंट ऑल्सो लेड द कन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर. और क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीजें जो थी लोकल रूलर्स में आ गई. अब क्या था कि लोकल रूलर इन कंपनीज के साथ ट्रेड करते थे. अब वहां अगर ट्रेड में लॉस होता था तो लोकल रूलर को भी लॉस होता था. और इसकी वजह से जो लोकल रूलर थे, जमींदार थे, और जो गवर्नर्स थे, जो लोकल गवर्नर्स थे, इंडियन गवर्नर्स थे, ये भी आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम द पॉलिटिक्स. और इसको पॉलिटिक्स से बचा कर रख पाना उस समय नामुमकिन हो जाता है. अब देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्टार्ट हुई. द ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्टली सेट अप देयर फैक्ट्री इन बंगाल. अब इंडिया के इस एरिया में इसने पहली फैक्ट्री सेटअप की. ठीक है, अब देखते हैं. When the British East India Company came into India, when was Aurangzeb was alive. अब Aurangzeb उस वक्त क्या था, वो जिंदा था. तो उसने क्या किया, एक परमिट लेटर पास किया, एक फरमान जारी किया जिसमें कंपनी जो थी वो ड्यूटी फ्री होकर ट्रेड करेगी. यानी उसे किसी भी तरह की एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी देने की, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है. दे जस्ट पे द टैक्सेस, इंटरनल टैक्सेस वो पे करेगी, और जैसे बाकी के व्यापारी करते थे. और इंडिया से सामान लेकर जाने में या ब्रिटेन से बना हुआ तैयार माल इंडिया लाकर बेचने में उन्हें किसी तरह की ड्यूटी देनी नहीं पड़ेगी. सो दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन 1651 ऑन अ बैंक ऑफ हुगली रिवर. With the growth of the trade, merchant traders, अब जैसे जैसे इनके trades जो थे इंडिया में बढ़ने लगे तो ब्रिटेन से जो merchant आए थे, जो traders आए थे, वो धीरे धीरे वहीं पे pursuit करने लगे और वहाँ कंपनी की फैक्ट्री के आसपास सेटल होना स्टार्ट कर दिया. अब जैसे जैसे उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया in 1696 it started building fort around the settlement. और उस settlement के around फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने fort बनाने यानी किले बंदी करना start किया. And उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने वहाँ arms रखने start किए, सैनिक रखने start कर दिए. After 2 year later by bringing the Mughal officers the company got sorry by bribing a Mughal officer. अब क्या हुआ कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है तो जितने भी गवर्नर थे, एज वी नो दैट दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ फ्री फ्रॉम द दिल्ली और मुगल सल्तनत. सो उन्होंने वो क्या हो गया, वो एक तरह से उनमें करप्शन काफी ज्यादा आ गया क्योंकि दिल्ली में कोई स्ट्रांग पावर नहीं था. और इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें घूस खिलाकर क्या किया, जमींदारी पावर हासिल कर ली, यानी जमींदारी राइट्स ले ली, जिनमें उन्हें अधिकार मिल गया कि वो 3 विलेज यानी उस वक्त बंगाल के 3 विलेज से वो क्या करेंगे, टैक्स वसूलेंगे. अब यहाँ क्या हुआ, कंपनी को काफी बेनिफिट हुआ दैट अब उन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी. अब वो इंडिया के लोगों से ही टैक्स वसूलते थे और उन टैक्स से इंडिया से सस्ते
जो रॉ मटेरियल्स थे, जो भी सामान थे, स्पाइसेस थे, वो खरीदते थे और ब्रिटेन ले जाकर उन्हें हाई प्राइस पे बेच देते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था और ब्रिटेन का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट भी नहीं करना होता था। सो वन ऑफ दीज विलेज, अब जो तीन विलेज उन्हें दी गई उनमें से एक विलेज था कालीकत्ता एंड विच वॉज लेटर मर्ज विद द गोविंदपुर एंड सुतानुती टू फॉर्म अ सिटी कलकत्ता नाउ इज नोन एज द कोलकाता। यानी कोलकाता जो कि आज के डेट में हम कोलकाता जानते हैं, वो एक कालीकत्ता नाम का छोटा सा विलेज था जहां पहली बार ब्रिटिशियर्स को टैक्स वसूलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी बाय द ब्राइविंग ऑफ मुगल ऑफिसर। सो द कंपनी ऑल्सो गॉट द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग अ ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट। एज वी नो दैट औरंगजेब से उन्होंने क्या लिया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड राइट। सो द कंपनी ऑफिशियल मिसयूज द फरमान। अब क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे उस फरमान को मिसयूज करना स्टार्ट किया एंड क्योंकि उन्हें सिर्फ ड्यूटी फ्री यानी उन्हें एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी थी, लेकिन इंटरनल टैक्स यानी चीजों को खरीदने पर जो टैक्स लग रहा था वो तो उन्हें देना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पावर है धीरे धीरे किस तरह से रिड्यूस हो रही है, वीक हो रही है, और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया, दे रिफ्यूजिंग टू पे द टैक्स इवन ऑन द प्राइवेट ट्रेडर दे कैरिड आउट। अब उन्होंने क्या किया, टैक्स देना बंद कर दिया। यही नहीं, कंपनी के बाहर जो ब्रिटेन से आने वाले प्राइवेट ट्रेडर्स होते थे उन्होंने भी टैक्स देना बंद कर दिया। एंड दिस काउस, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनॉमरस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब बंगाल में इसकी वजह से रेवेन्यू की काफी ज्यादा कमी हो गई क्योंकि कंपनी बहुत सारा कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इंडिया से खरीदती थी जो कि नॉर्मल ट्रेडर से काफी ज्यादा होता था, और जब वो उस पर टैक्स नहीं देती थी जिसकी वजह से बंगाल गवर्नमेंट को रेवेन्यू की यानी टैक्स की कमी हो गई। सो इट लेड टू नंबर ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद अली खान। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर था, नवाब था मुर्शिद अली खान, तो उसने इस बात का काफी ज्यादा विरोध भी किया। सो अब देखते हैं कि ये जो ट्रेड था जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया आए थे, ये ट्रेड धीरे धीरे बैटल में कैसे बदल जाता है एंड कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में अपने स्ट्रांग होल्ड, अपनी पावर को मजबूत करते चले जाते हैं। ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द नवाब ऑफ बंगाल बिगेन टू असर्ट देमसेल्फ। अब औरंगजेब की डेथ के बाद हम सब जानते हैं कि गवर्नर्स ने, सॉरी जमींदार्स ने, नवाब्स ने, उन सब ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दी और अपने आप को पार्टिकुलर रीजन का जो एज अ किंग उन्होंने रिजाइन कर लिया, एज अ किंग उन्होंने अपने आप को असर्ट किया। एंड द सक्सेसर ऑफ मुर्शिद अली खान, अब मुर्शिद अली खान के जो सक्सेसर थे अलवर्दी खान और सिराजुद्दौला, दोनों ही एक स्ट्रांग रूलर थे एंड रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू कंपनी। उन्होंने कंपनी को कंसेशन यानी छूट देने से मना कर दिया एंड दे डिमांडेड अ लार्ज ट्रिब्यूट इन रिटर्न फॉर गिविंग द कंपनी राइट टू ट्रेड। और उन्होंने कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स देने के लिए यानी बंगाल में ट्रेड करते रहने के लिए काफी बड़ी रेवेन्यू की डिमांड कर दी, ट्रिब्यूट की डिमांड कर दी, यानी कंपनी अगर बंगाल में ट्रेड करेगी तो उसे अपने ट्रेड का एक हिस्सा बंगाल के नवाब को एज अ ट्रिब्यूट देना होगा। ओके, सो दे डिड नॉट गिव एनी राइट टू द कंपनी एंड ऑल्सो दे स्टॉप देयर पार्टिकुलर राइट ऑन विलेजेस। सो तो अब क्या था कि उन्होंने कंपनी को ट्रेड करने से रोक दिया, कंपनी को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिली थी उन सबको रोक दिया एंड ऑल्सो दे स्टॉप द कंपनी टू फ्रॉम द एक्सटेंडिंग देयर फोर्टिफिकेशन। वहां पे उन्होंने किलेबंदी करने से भी उन पे रोक लगा दी एंड दे एक्यूज द कंपनी, उन्होंने कंपनी को
दोषी ठहराया फॉर नॉट पेइंग द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल रेवेन्यू एंड टैक्स. उन्होंने कहा कि जो कंपनी है बंगाल की गवर्नमेंट को, वहां की सरकार को, जो कि नवाबों की सरकार थी, उन्हें किसी भी तरह के टैक्स दे नहीं दिया जा रहा है, जिसके और उसके अलावा वो काफी डिसरिस्पेक्टफुल है. उन्होंने बंगाल के नवाब का अनादर किया है, जिसके वजह से कंपनी को इसकी सजा मिलनी चाहिए. एंड द कंपनी डिनाइड बाय द एक्यूजिंग ऑफ लोकल ऑफिसर ऑफ रनिंग कंपनी ट्रेड एंड मेकिंग अनजस्ट डिमांड. कंपनी ने कहा कि नहीं, ये काफी अनजस्ट डिमांड है, हम इसे पूरा नहीं करेंगे. लेकिन बंगाल के नवाब अपने क्लेम पर अड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि कंपनी सिर्फ तभी अपने ट्रेड को फ्लोरिश कर पाएगी अगर वो उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करती है. बट द कंपनी वॉज ऑफ अ व्यू टू एक्सपेंड ऑफ ट्रेड एंड इट हैज एक्सटेंड इट्स सेटलमेंट. लेकिन कंपनी फिर भी अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहती थी, अपने सेटलमेंट को आगे बढ़ाना चाहती थी और फोर्ट बनाना चाहती थी, यानी उस जगह की घेराबंदी, किलेबंदी करनी चाहती थी. और उसके अलावा जो एक्वायर विलेज थे, यानी जो विलेज उसे टैक्स लेने के लिए मिले हुए थे, उन विलेज को वापस चाहती थी. और ये जो दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, बंगाल के नवाब का और कंपनी का, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे सामने आया? इन रिजल्ट ऑफ द फेमस बैटल विच वॉज द बैटल ऑफ पलासी. So in next class we will study about the Battle of Palasi. So for today's homework you have to write the company's Diwani right which given by the Nawab of Bengal. Okay.